मर्जी है, ना पहले वाली खुराकें हैं, ना पहले वाली जिंदगी है। आजकल की माएं तो ऐसी हैं जो बच्चों को दो ब्रेड, एक अंडा और एक ही चाय की प्याली मुंह में मार के कहती हैं, जा दफा हो स्कूल। पहले वाली माएं कितनी अच्छी होती थी, सुबह सुबह उठ के अल्लाह को याद करती थी। और बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान पढ़ती, दूध से मक्खन निकालती और नाश्ता बनाती और फिर पूरे घर की सफाई करती। और बिस्मिल्लाह करके अपनी औलाद के लिए रोटियां बनाती और फिर अपनी औलाद को बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाती और अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, स्कूल के रास्ते में जाते जाते नसीहतें करती। और अब 3 साल के बच्चे को स्कूल वाले 500 किताबें पकड़ा के कहते हैं, पढ़ो। लो अब आप बताओ कि 3 साल का बच्चा इंसान है या गधा। ओ आयत बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। बाबा जट साहब, पढ़ के क्या करना है, नौकरियां तो मिलती ही नहीं। आयत बेटा, नौकरी नहीं मिलती तो क्या हुआ बेटा, कम से कम तुम सियासतदान तो बन जाओगे ना। बाबा सियासतदान बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, तजुर्बे की जरूरत होती है, और वैसे ही मेरे पास बहुत तजुर्बा है। आयत आपके पास कौन सा तजुर्बा है बेटा? शहर में ना किसी की मुर्गी छोड़ी, ना किसी के अंडे छोड़े, ना किसी की कबूतर छोड़े। बड़ी